हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो आज से हम बता रहे हैं आपको, जो बात करने वाली हूँ मैं बीपीएससी जो टायर आपकी 2.0 है, इसी में आपका अब आ रहा है ऐड करके प्राइमरी लेवल का 1-5 की जो वैकेंसी है, फिर से यहाँ पे बात की गई है। एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके बताया गया उसके थ्रू कि जो इसमें पद बचे थे तो वो पद अब जनरल के लिए क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे उन्हें मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये है किसके लिए, पीआरटी के लिए है। पीआरटी 1-5 के जो है शिक्षक है उनके लिए। तो यहाँ पे बात करें तो शिक्षक जो 1-5 में है उनके लिए ये 1000 पद जनरल के लिए है। कुल मिला के यहाँ पे बात करें तो 50+ है, लेकिन यहाँ पर बात करें सिर्फ क्या है प्राइमरी जो पीआरटी की है, तो यहाँ पे 1000 वैकेंसी है पीआरटी के लिए। जिस ये वैकेंसी जो ये पद बचा है ये उनका पद है जो विकलांग थे, उनकी ये पद उनको दिया गया था आरक्षण में, लेकिन ये अभी फिल नहीं हुआ तो यही उठाकर इन्होंने चेंज करके किसके लिए कर दिया गया है, पीआरटी लेवल के लिए कर दिया गया है। बात करें यहाँ पे तो इसमें सभी को करना है, यानी 1-5 के जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे मौका है फॉर्म भरने का। और बात करें यहाँ पे योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 35 उम्र से प्लस ही होना चाहिए। और बीटीसी क्या है यहाँ पे बीटीसी वाले और जो डीएलएड वाले, यानी बीटीसी का ही तो डीएलएड हो गया है, तो ये डीएलएड वाले बीटीसी वाले ही इसे कर सकते हैं। यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही को बात हुआ, यहाँ पे बीएड वालों के लिए कोई मौका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीटीसी किया है या डीएलएड किया है वही फॉर्म डाल सकता है, ठीक है, पीआरटी में वही डाल सकता है। बात करें सीटेट को चाहिए या नहीं चाहिए, तो यहाँ पे या तो आपके पास बीटेट होना चाहिए 1-5 वाला, या फिर आपके पास सीटेट होना चाहिए 1-5 वाला। अगर उसमें आप पास हैं तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं, यानी आपको 1-5 वाला ही पेपर होगा अगर सीटेट का पास, तभी आप ये डाल सकते हैं पीआरटी का। बात करें यहाँ पे कि अदर स्टेट वाले डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, तो अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है, उनके लिए भी मौका है। और सीटेट में अपेयरिंग वाले डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, देखिए क्लियर अभी ये बात नहीं बोलेंगे कि अपेयरिंग वाले डालेंगे कि नहीं डालेंगे। हालांकि इसमें लिखा बात करें तो सभी को मौका की बात हुई है कि सभी को मौका मिलेगा इसमें, ठीक है। तो सभी को मौका का मतलब इसमें हो सकता है अपेयरिंग वाले भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अलग से कुछ नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि अपेयरिंग वाले नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। एक बार आपका फॉर्म आ जाए उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल जो है फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वेबसाइट जो है अभी जो है सर्वर डाउन चल रहा है, ठीक है। तो जब वो ठीक हो जाए उसके बाद आप भरना शुरू कर दें, खुद ही पता चल जाएगा। बात करें यहाँ पे कि आपके जो एग्जाम है क्वेश्चन कहाँ से बनने वाले हैं, तो ये आपके बनने वाले हैं कहाँ से, जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी लेवल से होंगे। एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। और मान के चलिए यहाँ पे 1-5 की बात है, तो 1-2 आपको लगभग जो है 8 तक पढ़ना होगा, क्लास 8 तक तो कम से कम पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। बात करें अगर यहाँ पे जो है लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज आपका जैसे 6-8 का उन्होंने बताया, पहले आपका जो है जो आपके पास नंबर था आपका जिसमें आपको 30% चाहिए होता था, अब आपके पास क्या है 30 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज के, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो उर्दू के हों, चाहे संस्कृत के हों, या फिर आपके इंग्लिश के ही क्यों ना हो, तो 30 नंबर में से आपके 9% यानी 9 नंबर आपके पास, 9% के यहाँ पे 30% होना चाहिए 30 में से, तो 30 में से अगर 30% करते हैं तो आपके पास कम से कम 9 नंबर होना चाहिए 30 में से। 9 नंबर अगर आपका हो जाता है तो आप ये क्लियर कर चुके हैं, यानी पास कर चुके हैं। तो ये आपका जुड़ने वाला नहीं है, ये सिर्फ आपका पास करना है, और ये जो है 9 नंबर आ गया तो आप पास हो जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे पूरे पेपर की जो सब्जेक्ट है, तो उसमें हम बात करें तो 150 नंबर का ये होने वाला है, और 150 में से अगर 30 इधर निकाल देंगे लैंग्वेज वाला,
तो बचेगा आपका 120 नंबर। 120 नंबर का आपका जीएस वगैरह हो जाएगा, आपका मैथ वगैरह हो गया, ये सारी चीजें आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, बात करें हम 40 नंबर का जो जीएस आता था, बिहार का हो या फिर पूरे स्टेट का हो या फिर आपका मान के चलिए पूरे इंडिया का हो, जितने भी जीएस हैं, तो जीएस आपका जो 40 नंबर का आ रहा था 6 to 8 में भी आपका था, वही इसमें भी रहने वाला है। ठीक है, तो आप 6 to 8 पढ़े या फिर ये आपका जीएस तो उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 120। अब बात करें कट जो है आपका मैरिट कैसे बनेगा, तो 120 नंबर का मैरिट बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि 30 नंबर आप निकाल देंगे तो 120 नंबर का आपका मैरिट बनने वाला है। और यहाँ पे बात हो गई तो मैं बता दूं कि यहाँ पे 40 नंबर आपका जरूरी नहीं कि आप अलग से पढ़ें, आप जब यहाँ से पढ़ेंगे सब्जेक्ट तो आपका वहीं पे आपका ये क्लियर हो जाएगा 40 नंबर वाला। ठीक है, तो ये आपको जो है अपेयरिंग वाली रही तो ये भी क्लियर हो जाएगा, फॉर्म कब से भरा जाएगा इसको भी टेंशन ना लीजिए, 2-3 दिन में, दो दिन के अंदर ही आपको क्लियर हो जाएगा कि फॉर्म कब से भरा जाएगा। ठीक है, और रही बात एग्जाम की कि एग्जाम डेट इसकी क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे एग्जाम डेट की बात अगर करें तो वही डेट है जो 6 to 8, 7 से लेके 10 तक की बात हुई है कि उसी डेट में ये पेपर भी करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये पेपर भी करवाए जाएंगे और ये जो लैंग्वेज और सब्जेक्ट का जो है ये एक ही बुकलेट होगी, उसी में आपको करना होगा। पहले अलग अलग करवाते थे लेकिन अब एक ही दिन में ये एक ही बुकलेट में होने वाला है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आज की जो ये इंफॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और जो है चैनल से जुड़ जाइए। मैं डेली आपको प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ बिहार से, जितने भी बिहार में आपके जो है क्लासेस हुई हैं। सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई है, फिलहाल मैं मोबाइल के टॉर्च से काम चलाऊंगी। तो बात करें यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर है आपके बिहार में जितने भी पेपर करवाया गया है उन सभी के जो प्रैक्टिस सेट है मैं डेली लेकर आ रही हूँ। और यहाँ पे बात करें तो 30 नंबर के सारे हो रहे हैं, उसमें आपका जीएस भी कंप्लीट हो जा रहा है, तो जीएस हो गया या फिर एसएसटी हो गया वो स्टूडेंट आप सभी मिलकर यहाँ पे क्लास ले सकते हैं इस चैनल पर। बात करें करंट अफेयर की, करंट अफेयर भी मैं शुरू करने वाली हूँ 2 दिन के अंदर ही, और आपकी हिंदी की भी मैं ट्रिक्स लेकर आई हूँ, पूरी हिंदी नहीं पढ़ा रही हूँ बल्कि ट्रिक्स उसकी बात करूंगी ट्रिक्स पे। ठीक है, तो आई होप आज की जो वीडियो जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, चैनल से जुड़ जाइएगा और सभी को जो शेयर करके आप उनको भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। ठीक है, और क्लास आप जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बन चुकी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।